नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का अपना YouTube चैनल रवि टेक्नोलॉजी में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिहार सरकार की तरफ से एक नई अपडेट जारी की गई है, एक नई घोषणा की गई है। दोस्तों बिहार के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सभी को यहाँ पे जो है मुफ्त में 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में मिलने वाला है, यानी कि उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का यहाँ पे जो इलाज है वो यहाँ पर आप लोगों के मुफ्त में मिलने वाला है सालाना। तो दोस्तों ये किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिल पाएगा और दोस्तों इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और किन किन लोगों को ये लाभ दिया जाएगा, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो दोस्तों और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास पेपर का कटिंग पड़ा हुआ है और इसी पेपर कटिंग के माध्यम से हम सारा जानकारी आज देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि सभी राशन कार्डधारियों का 5 लाख तक इलाज मुफ्त, यानी जितने भी राशन कार्डधारी हैं उन लोगों का दोस्तों 5 लाख रुपये तक यहाँ पर इलाज मुफ्त यहाँ सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड लिस्ट में जैसे नाम होता था उन्हीं लोगों को यहाँ पे योजना का लाभ जैसे फ्री में दिया जाता था, उनको जो आयुष्मान कार्ड बनाया जाता था और 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में कराया जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन लोगों के यहाँ पे जो दोस्तों सभी लोगों को यहाँ पे 5 लाख रुपये तक का इलाज यहाँ पे मुफ्त सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों, देख सकते हैं कि जिनके पास भी राशन कार्डधारी है उनको यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और 5 लाख रुपये तक का यहाँ पे इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं इसके ब्यौरा में क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि बिहार के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों का प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। फिलहाल राज्य में 5.5 करोड़ लोग इसका लाभ मिल रहा है। इसमें बताया गया है कि जितने भी बिहार के राशन कार्डधारी हैं उन लोगों को यहाँ पे जो है प्रति वर्ष यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सालाना यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति वर्ष यहाँ पे 5 लाख रुपये तक मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा और यहाँ पे 5.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ भी अभी फिलहाल मिल रहा है। अब बिहार सरकार अपनी राशि से इसका लाभ 4 करोड़ और लोगों को देगी। यहाँ पे बताया गया है कि जो बिहार सरकार है खुद से अब यहाँ पे अपने राशि से 4 करोड़ और लोगों को यहाँ पे लाभ देने के लिए प्रोसेस जिसे जारी कर दिया गया है। राज्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में गुरुवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह एक और बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ये तोहफा मिला है राशन कार्डधारियों के, जिनके पास राशन कार्ड है उन लोगों के सब भी लोगों को यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और उसी के जरिए दोस्तों यहाँ पे 5 लाख रुपये तक का आपको जो है मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। अब मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अब राज्य के नए 85 लाख परिवारों को मिलेगा। यानी यहाँ पे बताया गया है जो प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना था उसके अंतर्गत जितने भी राज्य में लोगों के मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधा था अब यहाँ पे राज्य में 85 लाख परिवारों को यहाँ पे मिलेगा। इन्हें यह सुविधा राज्य सरकार अपने खर्च से उपलब्ध कराएगी। ये जो है इसका जो जितना भी सुविधा होगा ये राज्य सरकार जो अपने ऊपर लिए हुए है। अप्रैल से शुरू हो रहा वित्तीय वर्ष 2022-23 से यह सुविधा मिलने लगेगी। इसमें बताया गया है कि ये जो है वित्तीय वर्ष अप्रैल महीना से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों और इसका काम भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से दोस्तों। तो देख सकते हैं ये वित्तीय वर्ष में जैसे स्टार्ट होगा अप्रैल से शुरू हो जाएगा बनाने के लिए आयुष्मान कार्ड जितने भी राशन कार्डधारी हैं सब लोग का यहाँ पे बनेगा और जैसे ये सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के 2022-23 के आय व्यय पर विधानसभा में हुए वाद विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री अपना बात रखे थे। ये जो है कुछ विवाद हो गया था उसी की वजह से जो है ये प्रस्तावित यहाँ पर रखा गया। फिर इसमें बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि राज्य में 1.9 करोड़ परिवार के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख तक का चिकित्सक सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो है इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख तक का चिकित्सा जो है सुविधा होता है मुफ्त में यहाँ पे कराया जाता है 1.9 करोड़ परिवारों को। तो देख सकते हैं कि इसी के जरिए जो है अपडेट जारी किया गया है और इसमें बताया गया है इसमें कि देख सकते हैं इसमें यहाँ पे 9.50 करोड़ लोग अब इसका लाभ ले पाएंगे। दोस्तों पहले नहीं सभी लोग इसका लाभ ले पाते थे क्योंकि उन लोगों का राशन जो होता था
था, लेकिन आयुष्मान लिस्ट में नाम नहीं था। इसी की वजह से उन लोगों के जैसे समस्या झेलनी पड़ती थी, उनको मुफ्त में इलाज नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों अब सभी लोगों को यहाँ पे जिनके पास राशन कार्ड है उन लोगों का यहाँ पे मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 85 लाख नए परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है और यहाँ पे 1.09 करोड़ परिवारों को मिलता है और इसका लाभ अभी जिससे अभी फिलहाल में इसका अभी 1.9 करोड़ जितने भी हैं और सभी लोगों का लाभ भी यहाँ पे सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है सरकार की तरफ से, बहुत ही अच्छी घोषणा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।